जय हिंद जय भारत भारत मत जय वंदे मातरम कैसे हैं आप सारे कैसे मेरे स्टूडेंट्स कैसे आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो लेके आगे मैं आपके लिए आज का आपका न्यूर आर्मी टम्प का सेशन और ये न्यो एयर आर्मी टम्प का सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि ये है आपका एक ऐसा वेपन एक ऐसी आपकी कह सकते हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल या एक ऐसे आपके टेक्नोलॉजी जिसे इंडिया ने खुद इंडिजनसली डेवलप करा मतलब इंडिजनसली का मतलब क्या खुद से हिंदुस्तान में अपने आप से बनाया अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार अपना टाइम लिया और एंड में जो आपका प्रोडक्ट निकला उसने आपका इंडिया का लोहा हर एक क्षेत्र में बनवा दिया मतलब तो इंडिया के डोमिनेंस एक इस सेक्टर में एक बाकी थी और इस सेक्टर में भी इंडिया ने डोमिनेट कर लिया मैं किसकी बात कर रहा हूँ क्यों बात कर रहा हूँ सब देखेंगे लेकिन उससे पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर किसी को अच्छी डिफेंस की एजुकेशन मिल सके सच्चे डिफेंस की एजुकेशन मिल सके शुरू करते हैं अपना सेशन बिना किसी देरी के यह है आपका दी आर्मी टर्म इससे लेकर आपका तो मैं दत्ता आपका डिफेंस का एजुकेटर आपके वाईफाई फाइव डिफेंस एग्जाम चैनल पे और आपके अन अकेडमी पे ये है आपका आज का आर्मी टर्म है कलवारी क्लास सम मरीन सममरीन तो सबको पता है पंडोबी ठीक है जो अंदर बहती है जैसे आपने मूवी देखी आपकी गाजी अटैक देखी आपने उसमें जो पंडोबी यूज होती है वैसी तो एक आपके हिंदुस्तान ने कलवारी क्लास पंडोबी बनाई थी कलवारी क्लास सम मरीन बनाई थी वो क्या था क्यों बनाई गई क्या स्पेसिफिकेशन और कलवारी नाम किस जीव जंतु के ऊपर रखा गया सब देखते हैं सेशन में लेकिन उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेरे को आपसे करनी है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वाई फाई डिफेंस को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे डिफेंस की एजुकेशन बाय डिफेंस फैकल्टी ओनली कुछ और यहाँ पे बातें नहीं होंगी सिर्फ डिफेंस की एजुकेशन ही मिलेगी कुछ और ये नहीं कि आपको रेलवे का मतलब पढ़ा के आपको डिफेंस का बोल के चिपका देंगे नहीं डिफेंस के एजुकेशन बाय डिफेंस टीचर्स करवाइए अगला आप पढ़ते रहेंगे लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी किस हद तक पहुंची है, किस लेवल तक पहुंची तो आपको करना है कि आपको डेली लाइफ चैनल पे जाना है और यहाँ पे टेस्ट देने मैं यहाँ पे मंडे टू थर्सडे आपके लिए डेली लाइफ टेस्ट लेके आता हूँ तो आज ही जाओ और टेस्ट दो इस पे ओके मंडे टू थर्सडे और आज क्योंकि फ्राइडे है तो आपको पता है मैं आपके वाईफाई फाई से डिफेंस चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हूँ उस पर लेके आता हूँ कब कब आपके डेढ़ बजे से दो बजे तक मतलब वन थर्टी टू टू आपके लिए एक्स एंड वाई ग्रुप का टेस्ट होगा आज और फिर उसके बाद छः से सात सिक्स टू सेवन पी आपके लिए एनडीए का टेस्ट होगा आज तो देर किस बात के जरूर आइए मेरे साथ इन टेस्ट में भाग लेने ताकि आप अपनी प्रिपरेशन लेवल को नाप सकें और अगर कमी है तो उसमें इम्प्रूव कर सकें देखिए अगर आप अपना डिफेंस का मैब्रिक बैच अभी भी नहीं करा है आपने आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन लेवल ए की बारे में फ्रूटफुल हो जाए आप ए बारे में पेपर निकाल लो तो आपको करना क्या है यू मस्ट द डिफेंस बैच बैच दिस इज जॉइनिक जो आपका चार में से स्टार्ट हो चुका है लेकिन आपको सारे सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे और अगर तब भी आपको कोई डाउट है तो हम चारों फैकल्टी ये भी करेंगे कि आपका डाउट को भी अनकॉल फॉर ना जाए हाथ का आपको पीडीएफ मिलेगी और आप एक वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो एंड इट्स लाइक हॉट सब्सक्रिप्शन आप हॉट्सारे जैसे कोई भी शो देख सकते हैं वैसे आप एनडीए की कोई भी सीरीज कोई भी वीडियो किसी भी एजुकेटर के देख सकते हैं में और अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप नाइन पे कॉल व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो या कोई प्रकार का डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो और अगर आप अन्य कोई भी अन अकाडमी के लेते हो सब्सक्रिप्शन तो उस पर भी आप टेन परसेंट का डिस्काउंट पा सकते हो रन ऑफ टेन का कोड यूज करके देखिए शुरू करते हैं यह है आपका कलवारी क्लास देखिए कितनी विशाल का ये ये समरी में चलती हुई एक उसकी फोटो है और ये आपका वैसे यार्ड की फोटो है ये यार्ड पर खड़ी हुआ है और ये इसका सिंबल है अब आपको देख के देखकर आ गया होगा कि इसका ये हमने लिया। ये हमने लिया आपकी एक शार्क होती है ये आपकी एक शार्क होती है हम इंडियन ओशन शार्क आपका अरेबियन सी शार्क भी कहते हैं यहाँ आपकी कलवारी एक आपकी शार्क होती है कलवारी इज एक्चुअली अ शार्क जिसके नाम पे रखा गया है मतलब ये एक शार्क की तरह दिस इज लीथल ये लीथल है और एक शार्क की तरह अटैक करती है अपने दुश्मनों को बिल्कुल छोड़ती नहीं है और बिल्कुल खत्म कर देती है तो इसी के बेसिस पे हमने कलवारी क्लास को ऐसा नाम दिया क्योंकि बहुत ही लीथल है और बिल्कुल दुश्मनों को खत्म कर देंगे लाइक एक आपकी असली शार्क शुरू करते हैं आईनस कलवारी जिसका कोड नेम है आपका एस ट्वेंटी वन ये फर्स्ट ऑफ सिक्स स्कॉर्पियन क्लास है सबमरी पहली है छ में से टोटल छे बनाई जाएंगी आपकी उनमें से फर्स्ट है जो आपकी इंडियन नेवी के साथ अभी सर्विस में ये आप ये एक आपकी एक आपकी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है मतलब इसमें जो मोटर्स लगे हुए हैं वो और जो भी आपके पावर जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपके डीजल और आपके इलेक्ट्रिक है ये आपका डिजाइन कर आपका डीसीएनएस ने जो कि आपका एक फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी है फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी हमने से वहां से डिजाइन लिया है लेकिन मैन्युफैक्चर इसे आपका मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में करा गया है हमने सिर्फ डिज़ाइन परचेज करा है हमने डिजाइन के लिए कंसल्टेसन कर लेकिन इसे डेवलप और मैन्युफैक्चर इंडिया में ही करा गया है ये जो शिप पेनेरट करती है आपका नाम मतलब जो इस पे जो नाम है इसका वो आई एन कलवारी से है जो कि एस ट्वेंटी थ्री थी जिसने इंडियन नेवी को आपके नाइनटीन सिक्सटी सेवन से लेकर नाइनटीन नाइनटी सिक्स तक सर्व करा ठीक है सोचिए कितने साल सर्व करा और उसी के ऊपर हमने इसका नाम रखा है किसका एस ट्वेंटी वन का या आई एन कलवारी का कलवारी एक आपका मलयालम वर्ड है जो कि आपका टाइगर शाक के लिए यूज होता है टाइगर शाख के लिए यूज होता है कलवारी एक आपका मलयालम शब्द है जो कि आपका टाइगर शाख के लिए यूज होता है टाइगर शाख क्या है इंडियन ओशन में जस्ट लाइक अ सबमरीन सबमरीन तो भी तो आपका डीप सी चले जाती है और यहाँ पर डीप सी जाके आपका अटैक करती है आपका क्या कहते हैं कि प्रेडेट करती है अपने दुश्मन सममरी शिप्स पे नेम सिम्बलाइज करता है जैसे मैंने बताया आपको एजिलिटी स्ट्रेंथ और प्रेडेटरी पावर

ये सबमरीन थी इसे डेजिग्नेट करा गया था एज यार्ड यार्डन फाइव लिमिटेड में जब ये बन रही थी और इसकी मरम्मत और इसकी कंस्ट्रक्शन आपकी चौदह दिसंबर दो हजार छ में शुरू हुई थी जब इसका पहला स्टील कटिंग शुरू हुआ इसके पांच सेपरेट सेक्शन हैं से जिसे वेल्ड करा गया था और इसे फिर नाम रखा गया था आपके बूट टूगेदर तीस जुलाई दो को आठ साल लगे इसे बनने में इसे अनडॉक करा गया मतलब डॉक से उतारा गया आपके पॉन्टून पॉन्टून एक आपका कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म होता है, जिस पर आपकी है आपके सबमरी कैरी होती हैं आपके ईस्ट या डॉक से छ अप्रैल दो हजार पंद्रह को आपके प्रेजेंस में किसके आपके डिफेंस मिनिस्टर जो कि अब आपके पूजनीय मनोहर परिकर जी ठीक है स्वर्गवास हो चुका है इनका ये पहली इंडियन नेवल वेसल है जिसे आपका मॉड्यूलर अप्रोच से बनाया गया है मतलब पहले क्या होता था पूरी शिप को एक साथ बनाएंगे अब ऐसा नहीं करा अब पांच सेपरेट सेक्शंस को एक साथ बनाया फिर उन्हें मर्ज कर लिया जिससे टाइम बचा और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ी अगला जब इसे कंप्लीट कर लिया आपने इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जैसे आपका वैक्यूम टेस्ट होता रहा का बैटरी लोडिंग होता है तो उसे लॉन्च कर दिया गया था आपके नेवल डॉक पे सत्ताईस अक्टूबर दो को टेस्टिंग के बाद आप बाय रितु श्रावत रितु श्रावत जो कि आपकी वाइफ ऑफ दैम सी थे रियर एडमिरल आर के श्रावत जो कि अब रिटायर हो चुके हैं ठीक है थीके? और

इसने सी ट्रायल्स कमेंट्स करें एक में दो हजार को देखिए सी ट्रायल्स अलग होता है आपके नॉर्मल ट्रायल्स अलग होते हैं क्योंकि सी में आप जाएंगे तो आपके पास डॉग की सेफ्टी का वो नहीं है आप आस पास हैं तो आपको अगर कुछ भी मिशप होता है तो आपको डॉग बचा सकता है और इसे एक्सपेक्ट करा गया थे कि आपके अट्ठारह में ये बारह नहीं होगा सॉरी ये यहाँ पे तो बारह ही होगा यहाँ पे आपको तो बारह ही होगा मैं आगे की बात कर रहा हूँ

जब इसका सक्सेसफुल आपके सी ट्रायल्स का समुद्री ट्रायल्स कमीशन करा गया बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेहंडले जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे वो कौन थे आपके आर्मी के कैप्टन नेवी के कैप्टन आपका एक क्वेश्चन भी पूछा मैंने। नेवी के कैप्टन एस डी मेहनडले इसके कमिश्निंग ऑफिसर थे अगला आपको ये जान के खुशी होगी कि जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक थी उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स ने, ने करी थी इंडियन नेवी ने, 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 ने आई चक्रा को आई कालवरी के साथ डिप्लॉय कर दिया था टू सर्च ऑफ पाकिस्तानी सबमरीन पाकिस्तानी नेवल शिप साध जो कि ये बिलीफ करा जाता है कि डिप्लॉय हुई थी लेकिन फिर इन दोनों से डर के वो वापस अपने बेस पे चली गई क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा था कि हम जो इंडिया को है वो आपके वाटर से अटैक करेंगे अब एक कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं नेम है आपका कालवारी नेम से क्या आपका कलवारी एस ट्वेंटी थ्री जिससे इसका नाम लिया गया ऑर्डर करा गया था पांच में बिल्डर है इसका डॉक लिमिटेड मुंबई लॉन्च करा गया था आपका दो हजार पंद्रह को कमीशन करा गया था आपका चौदह सितंबर दो हजार सत्रह को आइडेंटिफिकेशन आपकी एस ट्वेंटी वन मोटो है आपका एवर ऑनवर्ड और स्टेटस अभी इन एक्टिव सर्विस मतलब अभी भी सर्विस में है और यह है इसका लोगो या सिंबल यह है इसका लोगो या सिंबल ओके okay? अगला देखते हैं हम इसके बारे में पहली बात और कुछ इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में आपको जाननी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा पहली बात क्लास एंड टाइप क्या आपकी कलवारी समरीन डिस्प्लेसमेंट क्या है जब ये सरफेस पे होती है तो इसका वेट होता है एक हजार छह सौ पंद्रह टन और जब ये समज होती है तो एक हजार सात सौ पिचहत्तर टन जितना डिफरेंस आ रहा है आपका अराउंड पंद्रह और साठ और आपका एक सौ पचास टन जो डिफरेंस आ रहा है वो पानी का वेट होता है क्योंकि पानी भरा जाता है तभी सब सिर्फ आपकी समझ होती है लेंथ क्या है इसकी सेवन सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव मीटर या दो सौ इक्कीस फीट बीम क्या है इसकी सिक्स पॉइंट टू मीटर या जो आपका ये ऐसे होता है ना बीम जैसा ये वाला ये वाला आपकी बीम होती है बीम क्या है इसकी छह दशमलव दो मीटर या बीस फीट हाइट है इसकी बारह मीटर या चालीस फीट ड्रॉट यह इसकी फाइव मीटर या नाइनटीन फीट प्रोपल्शन या पढ़ सकते हैं फोर इंटू एम स्पीड है इसकी जब समेस्ट होती है तो आपकी एलेवन किलो नॉर्थ से आपके ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर और जब सरफेस पर होती है सबर्ज होती है तो ट्वेंटी किलो नॉर्थ से आपके थर्टी सेवन किलोमीटर पर आर रेंज क्या है इसकी सिक्स हंड्रेड नाइन आपके जो समुद्री माइल होती हैं मतलब बारह हजार किलोमीटर आपके आठ किलो नॉट या पंद्रह किलोमीटर पर आर पे सरफेस पे और आपके फाइव फिफ्टी एन एम आई या एक हजार दो सौ बीस मीटर आपके फोर नॉट या सेवन पॉइंट फोर किलोमीटर पर आवर पर जब सबर्ज होती है एंड्योरेंस क्या है ये समुद्र के नीचे या भीतर आपके पचास दिन रह सकती है इसके टेस्ट डेप्थ है आपकी तीन सौ पचास मीटर या एक हजार एक सौ पचास फीट कॉम्प्लीमेंट क्या है इसके आठ ऑफिसर्स हो सकते हैं और आपके पैंतीस सेलर्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आपके इसमें सी थ्री जीरो थ्री एस एंटी टोरपेडो काउंटर मेजर सिस्टम है अगर कोई टॉर्पेडो लॉन्च करता है तो आपके पास एक काउंटर सिस्टम भी है और आर्मेमेंट क्या है इसका क्या हमारे पास गोली बारूद है छ इंटू फाइव थर्टी थ्री एम एम के हमारे पास टॉरपेडो हैं Uh, 39, में ब्यूटी है बिल्कुल और ब्यूटी है इससे सुंदर मेरे ख्याल से कोई चीज हो नहीं सकती इससे सुंदर कोई दृश्य नहीं हो सकता तो अगर आप ऐसे ही सेशन को चाहते हैं अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे टर्म सुनता रहे तो आपको करना कुछ नहीं बस आपको कमेंट करके नीचे बताने के सर अगला टर्म क्या होगा तो मैं उस टेम पर आपके लिए एक बिल्कुल सेशन लेके के आऊंगा अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन भी बताएं ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो गाइस मिलेंगे आप आपसे आपके डेढ़ बजे के टेस्ट में तो मेरे साथ जरूर आना ना भूलिए और मिलते हैं पे और टेस्ट को रॉक कर देंगे ओके बाय गाइस टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर